और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, खत्म होगा लव जिहाद, विपक्ष फिर भी करे विवाद, बंद होगा हमला, धोखा दबाव, सवाल सियासी दांव, नया कानून एक प्रण, खत्म होगा धर्मांतरण, योगी का प्रहार, खत्म होंगे गंदे जिहादी विचार, अगर हुआ धर्म वाला खेल, भेजना जरूरी है जेल। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, आलोक वर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हैं, मीसम जैदी जी नेता समाजवादी पार्टी, एच एस रावत जी हिंदू धर्म गुरु, नूर अहमद अजहरी जी मुस्लिम स्कॉलर, आप सभी मेहमानों का स्वागत है। अजहरी साहब, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए किसी को भी, हालांकि सियासी दल है, बयानबाजी तो होगी होगी। दरअसल जब कोई हताश होता है, जब सरकारें जुल्म करने पर आमादा हो जाती हैं, तो ऐसे ही काम उनके पास बचते हैं। लोग नौकरियां मांग रहे हैं, नौकरियां देने के लिए सरकार के पास कोई बजट नहीं, लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उस पर कोई किसी तरह की बात आती नहीं। गौ हत्या के नाम से या गौ सुरक्षा के नाम से राजनीति तो होती है जी, लेकिन गाय के साथ क्या खेल हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की सड़कें इस चीज की गवाही दे रही, लेकिन लेकिन उनको वो काम करना है जिससे हिंदू तुष्टिकरण हो जाए, हिंदू डर जाए और यूनाइटेड होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो जाए। इसके सिवा उनके पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। लव जिहाद क्या है? अगर वो इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं तो जिहाद तो इस्लाम में है, लव जिहाद ये इनकी अपनी इजाद है, इस्लाम को बदनाम करने के लिए ऐसे लफ्जों का आविष्कार किया है कि मुसलमान और इस्लाम बदनाम हो। इसके सिवा कुछ भी नहीं है इनके पास, बचाई नहीं है कहने के लिए। लोग, मैंने पहले भी कहा था कि देश बुलेट ट्रेन मांग रहा है, देश 2 करोड़ नौकरियां मांग रहा है, देश 15 लाख रुपए मांग रहा है, कहां है? इस पर इनकी आवाजें बंद हो जाएंगी। सही बात है, पहले झांकने, आप सही कह रहे हैं, कोई बोलेगा नहीं। वो कौन मांग रहा है जो नाम किसी और का हाथों में कलावा, माथे पर टीका, नाम अजहर है बता रहे हैं राजीव, नहीं एक बात करें, वो मांग रहे हैं क्या को टारगेट करने के लिए, बदनाम कर, सब फर्जी बातें हैं, बहुत बड़ा एच एस रावत जी फर्जी बातें हैं। अगर ऐसे लोग हैं, बहुत ही अनुशासन में रहने वाले ये लोग, लव जिहाद कहने का मतलब क्या है, बहुत ही देश के प्रति, दूसरे धर्म के प्रति ये सब विश्वास भी रखते हैं। हिंदू मुसलमान की नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ एच एस रावत जी, वापसी है एच एस रावत जी की लड़की ले जा रहा है, एच एस रावत जी बोलू ना, और मुसलमान हिंदू की लड़की लेकर के आ रहा है, बहुत इज्जत करते हैं आपके धर्म की ये सब। राहुल जी, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, अब ये खामा का भड़क रहे हैं। अब ये कानून तो हिंदुओं के लिए भी है, अगर कोई हिंदू मुसलमान नाम बदल करके अगर जिहाद करता है तो वो भी फंसेगा, अगर कोई जैन करता है तो भी फंसेगा, लेकिन ये अपने ऊपर लेने की आदत है। इनको पता है कि हम ही ये गंदा खेल खेलते हैं, इनको पता है कि गंदा खेल यही लोग। नूर साहब सुन तो लीजिए, आपत्ति है, सुन लो नूर साहब सुन तो लीजिए, आप पूरे पूरे मैं आपको रिकॉर्ड बताता हूँ, सड़के जाम, आपने कहा नूर साहब सुन लीजिए, बात नहीं है, नूर साहब सुन लीजिए, बता देता हूँ, सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश से पूरे हिंदुस्तान का रिकॉर्ड आपको बताने के लिए तैयार बैठा हूँ। उत्तर प्रदेश में 20 ऐसे जिहाद केस हुए हैं जिनमें उन लड़कियों को धर्म परिवर्तन न करने पर मार दिया गया है, उनकी हत्या कर दी गई है धर्म परिवर्तन न करने पर। फरीदाबाद के अंदर निकिता हत्याकांड आपको बताया, अरे सुन तो लीजिए अजहरी साहब, इतना भड़क क्यों रहे हैं आप? आपको नूर अहमद अजहरी जी सभी ने सुना तो आप भी सुनिए, सुनिए, सुना कीजिए तब बोला कीजिए, पहले सुन लीजिए अजहरी साहब, सुन तो लीजिए। अरे रावत जी होश की पियो थोड़ी, बड़े पद पे बैठ करके कम से कम सुनना तो सीखो, तभी तो आपसे हम कह रहे हैं, सुनने की आदत थोड़ी सी डाल लो। ये तो बच्चों की तरह चिल्ला रहे हो आप सदन में नहीं आप बोलने आप दे रहे हैं, जमीन पर नहीं बोलने आप दे रहे हैं। टीवी अजहरी साहब, चर्चा की शुरुआत मैंने आपसे की, आपके टाइम में आपने ही बोला, किसी दूसरे तो नहीं, गेस्ट ने नहीं बोला, तो दूसरों को भी तो बोलने दीजिए। अरे इतने बड़े पद पे बैठ के आदमी में शालीनता होनी चाहिए। सुनिए,
फरीदाबाद के अंदर निकिता हत्याकांड हुआ, वो लव जिहाद का केस था, उसको दो मुसलमान लड़कों ने गोली मार दी धर्म परिवर्तन ना करने पर। आप दिल्ली के अंदर साक्षी हत्याकांड हुआ, दिल्ली के अंदर श्रद्धा हत्याकांड हुआ, दिल्ली के अंदर साहिल नाम का लड़का तिलक लगाता था और ये कलावा बांधता था और उसने हत्याकांड किया। हरिद्वार के अंदर नीलम को काट करके टुकड़े टुकड़े करके सूट केस में भर दिया धर्म परिवर्तन न करने के ऊपर। लुधियाना की एकता देशवाल जो थी उसको वहां से गुमराह करके मेरठ लाया गया दौराला के अंदर। ये सब पुलिस केस हैं, ये क्राइम ब्रांच के सारे केसेज है, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। उस देशवाल के टुकड़े कर करके गन्ने के खेत में डाल दिया, जब कुत्तों ने लाश खींची तो पता चला कि ये जिहाद हुआ है। तारा सहदेव झारखंड की शूटर थी बहुत बड़ी, उसकी बात करिए, बंबई के अंदर बहुत बड़ी मॉडल थी। और आप देखिए अभी मैं आपको बहुत बड़ा केस, एक नेहा मोर्थम जो लड़की जो थी क्रिश्चियन थी, उसके साथ कर्नाटक के अंदर बहुत बड़ा बुरा हाल कर दिया, वहां हत्या की गई। और ऐसे 56 केस हैं जो क्राइम फाइल के अंदर हैं, जिनमें धर्म परिवर्तन किया कराया करने की कोशिश की। आलोक, और आलोक, पहले वो अपना हिंदू नाम या ईसाई नाम आलोक वर्मा जी, आलोक वर्मा जी, केवल ये उत्तर प्रदेश में तो है नहीं ये कानून, और भी राज्यों में है, तो फिर ये मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें राजनीतिक एंगल कैसे ढूंढा जा रहा है। आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग तो बस सांप्रदायिकता की बात करते हैं, दिया फड़फड़ा रहा है। नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है नूर साहब क्यों इतने बेनूर हुए जा रहे हैं। ये कानून तो सबके लिए लागू हुआ है, इसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी, ईसाई में ईसाई भी हैं। जो भी अवैध तरीके से धर्मांतरण होगा, जो भी लव जिहाद के किस्से निकल करके सामने आए हैं और आ रहे हैं, उस पर लगाम लगाने की अगर सरकार कोशिश कर रही है तो नूर साहब ने बेनूर क्यों हुए जा रहे हैं, ये सवाल मेरा है। देखिए, पहला सवाल तो ये है कि क्या उत्तर प्रदेश में इस तरीके के वाक्य निकल के आए हैं कि नहीं आए हैं। आप भी इसका जवाब हाँ में देंगे। बहुत सारे किस्से अलग अलग समय में निकल के आए हैं, हेडलाइंस बनी है उन पर कि किस तरीके से विदेशी फंडिंग होती है, किस तरीके से एक खास समुदाय को अपनी तरफ खींचने की कोशिश होती है, जो वंचित तबका है उसे खींचने की कोशिश हुई है, विकलांगों को किस तरीके से धर्म परिवर्तन के लिए लुभाया जाता है, इस तरीके की किस्से भी निकल करके सामने आए हैं, हेडलाइंस बनी है। तो इन सब पे अगर सरकार लगाम लगाने की कोशिश कर रही है तो इसमें नूर साहब को इतना एतराज क्यों है, ये सवाल मेरा है। देखिए, अगर आप कर रहे हैं इस तरीके के कुछ कुछ क्रियाकलाप कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हो रहा है, आप भी जमीनी पत्रकार हैं, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से इस तरीके के किस्से अलग अलग समय में आते रहे हैं। ये कभी पैसे का लालच दिया गया, कभी शिक्षा का लालच दिया गया, कभी शादी का लालच दिया गया, कभी विदेशी जो संस्थाएं हैं वो फंडिंग लोकल संस्थाओं को करती रही हैं। इन सब पर लगाम लगाने की जरूरत थी। तो ये तो हमारी सरकार ने पहले ही विधेयक लाया था, लाई थी 2020 के आसपास, उसमें संशोधन किया गया, पास हुई 2021 में उसे लागू किया गया। कुछ जरूरतें थी, क्योंकि संविधान ये लागू होने के बाद, विधेयक लागू होने के बाद भी जिस तरीके से इस प्रकरण पर लगाम लगनी चाहिए थी नहीं लग रही थी, तो उसमें कुछ संशोधन किया गया है, कुछ नए लोगों को इसमें लाया गया है, विदेशी फंडिंग पर लगाम लगाने की कोशिश हुई है, दिव्यांगों को भी इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि इस तरीके के प्रकरण भी आए हैं कि दिव्यांगों को जो है लुभाने की कोशिश की जा रही है, मानव तस्करी पर लगाम लगाने की कोशिश की गई है, कुछ बड़े ये भी कहा गया है सेशन कोर्ट से नीचे जो है इस पर सुनवाई नहीं होगी, परिवार के अलावा भी लोग शिकायत अब कर सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ चीजें लाने के साथ ही कोशिश की जा रही है कि जो लव जिहाद जैसे प्रकरण है जो कानून व्यवस्था के लिए मुश्किल खड़ी कर पर लगाम लगे, तो इसमें नूर साहब को इसमें इतराज क्या है, ये सवाल मेरा नहीं है। ठीक है, मिसम जैदी जी, एतराज नहीं होना चाहिए जी। राहुल जी, जी आपका सवाल मुझसे है क्या? हाँ हाँ, एतराज नहीं होना चाहिए। अच्छा, देखिए ऐसा है कि ये बात अगर सही मायने से देखा जाए और नियत अच्छी हो तो ये बात बिल्कुल सही है कि किसी भी तरह का कोई भी अपराध, या वो महिला के लिए हो या पुरुष के लिए हो या माइनॉरिटी के लिए हो या माइनर के लिए हो, अपराध अपराध है, अपराध को धर्म की निगाह से देखना नहीं चाहिए राहुल जी। जी, और उसको एक एंगल दे देना कि लव जिहाद, क्या ऐसा कोई कानून या संविधान तो देश में था नहीं कि हिंदू और मुसलमान, मुसलमान हिंदू, हिंदू हिंदू आपस में शादी नहीं कर सकते। अब तो कानून बन रहा है कि लड़के लड़के और लड़कियां लड़कियां शादी कर सकती हैं। ठीक है, आप अपनी बात कह लीजिए, इसी पे सवाल भी मैं करूंगा आपसे। हाँ, और अब अगर किसी ने शादी करी
और वो अलग अलग संप्रदाय से आते हैं, तो हर एक का एंगल ये बना देना कि वो लव जिहाद है, ये गलत है। इस तरह की मानसिकता से देश के अंदर मुझे लगता है कि और भेदभाव बढ़ेगा, और इस तरह की तकलीफ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों है? नहीं, मैं आप, मुझे लगा कि आप नहीं जाएंगे उधर, पॉलिटिकल लाइन नहीं पकड़ेंगे, लेकिन आपने पॉलिटिकल लाइन भी पकड़ लिया। मैं आपसे वही जानना चाह रहा था कि अभी 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 देखिए, मुझे मजबूरी ये सब बातें करना पड़ती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बात कर रही है देश के अंदर। अभी दिल्ली के अंदर एक हॉस्टल में एक महिला का मर्डर हो जाता है, वो युवक अंदर जाके उसको चाकुओं से मार के उसकी निर्मम हत्या कर देते, वो भी हिंदू था। ठीक है जैदी साहब, क्या जा रहा है जी? और अगर वो मर जा रहा है तो जाहिर की बात है कि एक ही कानून बना है ना उसके लिए देश में, मैं तो उसको सजा दी जाए। एक एक चीज, एक जैदी साहब एक चीज, मेरा नाम राहुल है, ठीक है, मैं अपने आप को मान लेता हूँ कुछ, मैं अपने आप को अपशर मान लेता हूँ जो कि इस्लाम वाला है। किसी हिंदू लड़की से मैं शादी करता हूँ, अगर वो हिंदू लड़की इस्लाम कबूल नहीं करती तो क्या इस्लाम के मुताबिक वो निकाह जायज है? देखिए सवाल ये है कि पहली चीज नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल नहीं, एक एक चीज, मैं जायज हूँ ये पूछ रहा हूँ, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ जी। अगर शादी हो रही है तो पहली चीज तो दोनों को बालिग होना अनिवार्य है। हाँ, दोनों बालिग हों, सारे टर्म्स एंड कंडीशन, सारे टर्म्स एंड कंडीशन। हाँ मेरी बात सुनिए, अगर वो एडल्ट हो करके कोई फैसला ले रही है, हो सकता हो कि ये भी वजह हो सकती है कि दोनों एक दूसरे से राजी नहीं हुए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम, इस्लाम की परिभाषा हमें समझाइए निकाह को लेकर, मुस्लिम गैर मुस्लिम। पहली चीज तो के अंदर कोई लव जिहाद नाम का, आप लव जिहाद पर कहां आ गए? मैं आपसे एक स्वस्थ डिबेट करना चाह रहा हूं, आप पता नहीं कहां लव जिहाद पर चले गए। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, इस्लाम में ऐसा कोई भी किसी भी तरह का लॉ नहीं है, शरीयत इस्लामिक इस तरह का कोई कानून नहीं है कि जिसमें लव जिहाद का अक्षर आता। मैं लव जिहाद की बात ही नहीं कर रहा हूं यहां। हाँ, फिर आप किस चीज की बात कर रहे हैं? मैं निकाह की बात कर रहा हूं, एक मुस्लिम एक गैर मुस्लिम के बीच अगर निकाह होता है तो क्या जो गैर मुस्लिम है उसे इस्लाम कबूल करना जरूरी है क्या? देखिए पहली चीज तो ये निकाह जो वर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब तक आप इस्लाम में दायरे में नहीं आते तो निकाह पर आपके ऊपर वो कानून लागू ही नहीं होता है निकाह का, सबसे पहली चीज, क्योंकि जब तक आप हिंदू नहीं होते हैं तो आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई मंत्रोच्चारण का, किसी भी तरह का कोई कानून लागू ही नहीं होता है। ये तो आपकी अपनी स्वेच्छा से है कि अगर आप इस्लाम धर्म, आप मेरे सवालों का जवाब नहीं, पता नहीं समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं नूर साहब? नूर साहब इसमें तो साफ साफ है कि उसमें कोई ये नहीं लिखा है कि मुस्लिम हिंदू ईसाई बौद्ध सिख जैन, इसमें तो कुछ है ही नहीं ऐसा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने सही बात की, जब तक इस्लाम कोई भी चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो, ठीक है, और वो निकाह करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें इस्लाम के अल्लाह उसके रसूल उसके फरिश्तों और जो स्पेशल मैरिज एक्ट हो, और स्पेशल मैरिज एक्ट के मुताबिक अगर एक मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी करता है तो भी आप यही कहेंगे? क्या चीज? स्पेशल मैरिज एक्ट के मुताबिक कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो भी आप यही कहेंगे कि ये शादी, ये निकाह लड़की हो या हाँ। या मुस्लिम लड़की हिंदू लड़का हो, अगर अगर उस वो इस्लाम के दायरे में कोई काम करना चाहते हैं तो उन्हें इसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है जी। आप अब कोई मुस्लिम लड़का कलाबाद का टीका लगाकर किसी हिंदू लड़की से मिलता है, बताता है कि हम वो अमन नहीं, हम तो हिंदू वाले अमन है, बाद में निकलता है नहीं कि आप तो इस्लाम वाले अमन है, तो इस्लाम इसको लेकर भी कुछ कहता है? जुर्म है वो, जुर्म है, तो उसी जुर्म को तो रोकने के लिए ये आया है, उसी जुर्म को रोकने के लिए आया है। नहीं 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 नहीं, ये एक तरफा है, ये एक तरफा हो गया, एक तरफा मुसलमानों को, वो जुर्म है, ये एक तरफा है, एक तरफा मुसलमानों की छवि को, आलोक वर्मा जी अब ये एक तरफा हो गया मुसलमानों के खिलाफ। अभी 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 सुनिए, लोग जी बोल रहे हैं गलत भी है और एक तरफा भी है। नूर अहमद को एतराज क्यों है? क्यों नहीं होगा एतराज? हमारी मिल्लत के साथ
हमारी आप हमें दाढ़ी टोपी और पर्दे पर्दे वाली औरतों को देख करके आप इस तरह के कानून लेकर के आ जाएंगे और उसका नाम लव जिहाद रख देंगे तो हम इसके लिए कुछ ना बोले, मतलब आप मारते जाए हम कमरों में कैद हो जाए, ये चाहते हैं आप? आपको आपको नहीं मतलब आप चाहते हैं कि हम इस्लाम को फॉलो करना छोड़ दें? आप चाहते हैं आप जो अपने अपना जहन हम पर थोप रहे हैं हम आपके जहन को कबूल कर लें? ठीक है, लेकिन मैं भी जब नूर साहब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। आलोक वर्मा जी बोल रहे थे, आलोक वर्मा जी एक मिनट रुक जाइए। नूर साहब जो ऐसे केसेस आए हैं उसे लेकर क्या कहेंगे? ऐसे केसेस जहां आए थे पहले से कानून है, वो लोग जेल गए, कार्रवाई हुई है, तो फिर आपको क्यों दिक्कत हो रही है? आपके लिए थोड़ी है वो, क्यों? नहीं नहीं दिक्कत वो आपके लिए नहीं है। अब आप मान बैठे कि मेरे लिए है तो फिर मेरे लिए है। डायरेक्ट मुसलमान को टारगेट किया है। किसने बोला? जिहाद लफ्ज इस्लाम में है। किसने बोला? जिहाद लफ्ज मुसलमान कहा है? लफ्ज जिहाद मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। लव आपका वर्ड नहीं है, इसलिए आप लेकर के आए हो। लव आपका वर्ड नहीं है, ईसाई खड़े हो जाएंगे। ये तो जिहाद मुसलमानों से ले लिया, लव हमसे ले लिया। गजब बात कर रहे हैं आलोक वर्मा। आलोक वर्मा जी सुनिए इनकी बात। चित भी मेरी पढ़ भी मेरी। अरे 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 मैं बात मैं जो बातें कर रहा हूँ, कब तक भाजपा की चापलूसी करोगे आप? आप एंकर हो, एंकर हो, आप डर रहे हो आप इन लोगों से? डर क्या बुलवा रहे हो यहाँ पे? जैसे आपके लिए ना, आपके लिए पहले धर्म ही आपका विशेष है और कोई नहीं विशेष है। क्यों नहीं होगा? नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा है? संविधान के अनुच्छेद 25 के मुताबिक, सुनिए, 25 के मुताबिक जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते आप, लेकिन हो रहा है इस देश में, हो रहा है इस देश में। जो करा रहा है, अगर आपके ही समुदाय से निकलते हैं तब आप क्या कहेंगे? मुस्लिम पीड़ित नाटक करेंगे। कानून मौजूद है। एच एस रावत जी कानून करे तो भी दिक्कत, कानून के तहत कार्रवाई हो तो भी दिक्कत। बोलेंगे आप? बहुत ही वो अनुशासन में रहने वाले ये लोग हैं, बहुत सज्जन हैं। राहुल भाई सज्जन है। भाजपा में चले जाओ। सज्जन है। राहुल भाई नूर साहब इतना परेशान क्यों हैं? अरे किसी सज्जन है नूर साहब, भारत में रहते हैं, मोहब्बत है, भारत के इतिहास को बदल रहे हो आप। भारत ने बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये तो होना ही था, जिस तरीके से संशोधन किया गया है, जाहिर तौर पर सजाएं खड़ी की गई है, आर्थिक जुर्माना भी बढ़ाया गया, उसमें और भी चीजें जोड़ी गई हैं। एक तबका बता रहा है ये मुस्लिम विरोधी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, इसमें सभी के लिए है। लेकिन सवाल यही कि आखिर हर एक मामले को धार्मिक एंगल क्यों दिया जाता है? दो टोक मिलना है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।